दोस्तों एक कड़वी सच्चाई आपको बताता हूँ, रेनो 8T कर्व डिस्प्ले दे दी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 30,000 के प्राइस पॉइंट पे हमें 15,000 वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 695। भाई कड़वी सच्चाई है, घोलो और पी जाओ। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि ओप्पो रेनो 8T के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ ओप्पो रेनो 8 के अंदर हमें 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई वैसे तो कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया है, लेकिन यार अगर हमें इन दोनों में से किसी को चूज करना हो ना एकदम बढ़िया कंटेंट वॉचिंग के लिए, तब आप यहां पर ओप्पो रेनो 8T की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है। भाई कंटेंट वॉचिंग में तो आपको मजा ही आ जाएगा। और अगर मैं यहां पर बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ओप्पो रेनो 8T यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जो कि कलर OS 13 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो रेनो 8 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि कलर OS 12.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में ओप्पो रेनो 8T स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि इसमें हमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है और लेटेस्ट UI मिल रही है। भाई अच्छी बात है। चिपसेट की अगर हम बात करें तो Oppo Reno 8T के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Oppo Reno 8 के अंदर हमें Dimensity 1300 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िए हैं, लेकिन यार अगर आपको गेमिंग के हिसाब से भी किसी एक को चूज करना हो ना, तो यार जो Oppo Reno 8 के अंदर हमें Dimensity 1300 दिया गया ना, भाई बढ़िया चिपसेट है, गेमिंग आपको मजेदार वाली करवा देगा। लेकिन लगता है Oppo Reno 8T के अंदर सिर्फ कर्व डिस्प्ले देने के चक्कर में ना इन्होंने चिपसेट के साथ में भारी वाली कंजूसी करी है, क्योंकि ये जो Snapdragon 695 है ना, आपको 15,000 वाले फोन में भी मिल जाएगा, जो कि इन्होंने अपने 30,000 वाले फोन में डाला है। स्कीम में समझ पा रहे हो ना, कर्व डिस्प्ले दे दी, यहां से चिपसेट कम कर दिया, पैसा मतलब बैलेंस कर ही दिया इन्होंने जाके आखिर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और एंटीडो स्कोर की अगर हम बात करें तो ओप्पो रेनो 8T का आता है 4,10,000 के करीब, सिर्फ 4,10,000। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो रेनो 8 का आता है 6,75,000 के करीब। दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क है भाई दोनों स्मार्टफोन्स के एंटीडो स्कोर में। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 8T की, तो इस स्मार्टफोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Oppo Reno 8 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और यकीन मानिए दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर Oppo Reno 8 स्मार्टफोन ही विनर है। भाई काफी अच्छे तरीके से इन्होंने कैमरा को ऑप्टिमाइज किया है यहां पर। लेकिन यार जो Reno 8T का बैक कैमरा सेटअप है ना भाई, सिर्फ इसमें जो माइक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया ना, वही एकदम बढ़िया फोटो आपकी क्लिक कर देगा, स्पेशली माइक्रो शॉट के हिसाब से, अदरवाइज तो उतना बढ़िया नहीं है इसका कैमरा सेटअप। बर्बाद। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो रेनो 8T के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो रेनो 8 के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ रेनो 8T के अंदर जो हमें चिपसेट हल्के वाला दिया ना, तभी आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल का सपोर्ट मिल रहा है। देख रहे हो आप कॉस्ट कटिंग कैसे करी है इन्होंने। और बात करें अगर हम फ्रंट कैमरा की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की, तो ओप्पो रेनो 8T यहाँ पर 4800mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो रेनो 8 यहाँ पर 4500mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। डिसीजन दोस्तों आपको लेना है कि बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना है या फिर ज़्यादा फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेना है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर मल्टीपल 5G बैंड को सपोर्ट करते हैं। ट्रूली 5G कनेक्टिविटी का मजा आपको दोनों स्मार्टफोन मिल जाएगा भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर NFC को भी सपोर्ट करते हैं। और बात करें अगर हम 3.5mm जैक की, तो हमें दोनों स्मार्टफोन में से किसी में भी नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों बात करें अगर हम स्पीकर्स की, तो Reno 8T यहाँ पर
पास स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ रेनो 8 के अंदर हमें सिर्फ सिंगल स्पीकर ही दिया गया है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दो कि दोनों स्मार्टफोन्स के 8+128GB वेरियंट की कीमत है 30,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको मेनली फोन भाई कर्व डिस्प्ले के हिसाब से चाहिए ना, सिर्फ कर्व डिस्प्ले के हिसाब से, तब आप यहाँ पर ओप्पो रेनो 8 स्मार्टफोन की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन दोस्तों अगर आपको चिपसेट भाई गेमिंग के अकॉर्डिंग एकदम बढ़िया वाला चाहिए, साथ ही दोस्तों बैक कैमरा सेटअप भी आपको एकदम अच्छे वाला चाहिए, तब आप यहाँ पर ओप्पो रेनो 8 की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। खत्म।